Hello everyone, welcome to another video. तो आज बहुत ही स्पेशल दिन है हमारे लिए क्योंकि आज हमारे 100 के सब्सक्राइबर्स फैमिली कंप्लीट हो गए हैं. तो आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट दैट यू गाइस हैव शोन एंड आई होप दैट कि आप आगे भी ऐसे सपोर्ट करते रहोगे. तो आज कोई मोंटाजेस नहीं, कोई हैंडकैम गेम प्ले नहीं, कोई रैंडम गेम प्ले नहीं. तो आज जो कि स्पेशल है, तो ये स्पेशल आप लोगों के लिए है जो कि मैं आज लाया हूँ एक जायरोस्कोप हैंडकैम ट्यूटोरियल जो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा होपफुली, क्योंकि आप में से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझे कंटिन्यूसली पूछते रहते हो कि आप 6x F4x से इतना अच्छा स्प्रे कैसे करते हो और हाई रिकॉयल वाले गन्स जैसे कि M762 AKM ग्रोजा इन सब का रिकॉयल आप इतनी इजीली कैसे कंट्रोल करते हो. तो इन सब के आंसर्स आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे. तो बिना स्किप करे वीडियो को देखते रहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सेटिंग्स की तरफ जाते हैं. तो ये रहा मेरा जो बेसिक सेटिंग्स है गेम के, तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगा सबका. नेक्स्ट अप इज कंट्रोल लेआउट. तो यहाँ पे देखिए मेरा बॉटम राइट पे एक डिफरेंस हुआ पहले से, जो कि है फायरिंग बटन. मैं इसलिए लगाया इसको क्योंकि मुझे टैप फायर करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो इसको चेंज कर दिया थोड़ा सा. और ये रहा ग्राफिक्स सेटिंग्स. तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्मूथ एक्सट्रीम जो कि है बेस्ट हाइस्ट FPS देता है, तो यही रखा है. और नेक्स्ट अप इज़ द सेंसिटिविटी. तो ये रहा मेरा सेंसिटिविटी. और लास्ट में रहा जायरो जो कि आप लोग पूछते रहते हो, तो यही रहा मेरा सेटिंग्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ग्रिप्स के बारे में बात करते हैं. तो सबसे वाइडली यूज जो ग्रिप्स होते हैं जैसे कि वर्टिकल फोर ग्रिप, एंगल ग्रिप, थम ग्रिप और हाफ ग्रिप, तो ये चारों के यूजेस जो है, तो ये आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वर्टिकल ग्रिप के बारे में बात करते हैं. तो वर्टिकल ग्रिप इज़ द मोस्ट यूजफुल अगर आपका रिकॉइल कंट्रोल अच्छा नहीं है या फिर आप नए हो गेम में इसलिए आपका रिकॉइल इतना अच्छा नहीं है, रिकॉइल कंट्रोल, तो ये आपके लिए बेस्ट है. या फिर आप टैप फायर करना चाहते हो तो टैप फायर के लिए आपका वर्टिकल रिकॉइल कम करने में ये मदद करता है, तो उसके लिए ये बेस्ट है. सो नेक्स्ट अप इज़ द एंगल ग्रिप. तो एंगल ग्रिप का मेन पर्पज़ होता है हॉरिजॉन्टल रिकॉइल कम करना. तो आप देखते हो कि आपका रिकॉइल लेफ्ट राइट आपका एम हिलता रहता है, तो ये चीज़ ये वाला ग्रिप कम करता है. तो अब बात करते हैं हाफ ग्रिप के बारे में. तो हाफ ग्रिप इज़ बेसिकली बैलेंस ग्रिप, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल रिकॉइल और वर्टिकल रिकॉइल दोनों को इक्वली कम करता है. तो अगर आपको चाहिए एक ग्रिप जिसमें दोनों इक्वली कम हो, तो ये उसके लिए बेस्ट है. और लास्ट में आता है थंब ग्रिप. तो थंब ग्रिप से वर्टिकल रिकॉइल भी ज़्यादा कम नहीं होता और हॉरिजॉन्टल रिकॉइल भी ज़्यादा कम नहीं होता. तो इसको लोग यूज़ करते किस लिए है, तो इसका बेसिक पर्पज़ है स्कोप ओपनिंग टाइम कम करना. तो इसको अगर आप यूज़ करोगे तो आपका स्कोप बहुत जल्दी ओपन होगा, जो कि क्लोज रेंज फाइट के लिए बहुत एसेंशियल होता है. तो अब बात करते हैं स्टील होके मारना और मूव करके मारना. तो अगर आप स्प्रे करना चाहते हो तो स्टील होके मारना बेस्ट होता है, क्योंकि उससे बुलेट का जो स्प्रेड होता है वो बहुत कम होता है. लेकिन अगर आप मूव करके मारोगे तो आपका बुलेट स्प्रेड बहुत ज़्यादा होगा और गोली ज़्यादातर टारगेट को हिट नहीं करेगा और आपके मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. सो अब हम मूव करके मारने से क्या होता है वो देखते हैं.
जैसे कि आपने देखा इसमें बुलेट स्प्रेड बहुत ज़्यादा हुआ और आपके टारगेट को हिट ना करने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। और अब देखते हैं कि स्टील होके मारने से क्या डिफरेंस होता है। तो जैसे कि आपने देखा जब मैं स्टील होके मार रहा था तो मेरा एम बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट हो गया। तो अब बात करते हैं खड़े होकर मारना, बैठ के मारना और लेट के मारना। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप खड़े होकर मारोगे तो आपका रिकॉइल सबसे ज़्यादा होगा। सो नेक्स्ट है बैठ के मारना। तो बैठ के अगर आप गोली मारोगे तो आपका रिकॉइल जो है खड़े होके मारने से थोड़ा सा और कम हो जाएगा। एंड लास्टली आता है लेट के मारना। तो लेट के मारने से सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है और सबसे कम रिकॉइल होता है और इसको हम बोलते हैं इसलिए लेजर। तो अब फाइनली जाते हैं हमारे हैंडकैम ट्यूटोरियल की तरफ। तो जैसे कि आपने देखा कि मैं सिर्फ मोबाइल को मूव करके ही जायरोस्कोप का यूज़ कर रहा हूँ तो इसे कहते हैं फुल जायरोस्कोप। लेकिन अगर आप थंब को भी ड्रैग करते हो थोड़ा और जायरोस्कोप का भी यूज़ करते हो तो उसको बोलेंगे हाफ जायरोस्कोप। तो यहाँ पे आप एक बात ध्यान में रखें कि अगर आप पीक करके मारोगे एक साइड से तो आपका एक साइड का रिकॉइल कम हो जाएगा। तो अब बात करते हैं हम फ़ोन के मूवमेंट के बारे में। तो इसमें तीन ही मूवमेंट होता है। एक होता है स्ट्रेट नीचे की तरफ, एक राइट से राइट टू लेफ्ट, एक लेफ्ट टू राइट। तो अगर आप नॉर्मल स्कोपिंग करके मारोगे तो आपको स्ट्रेट नीचे की तरफ ले जाना है मोबाइल को, और अगर आप राइट पिक करके मारोगे तो राइट टू लेफ्ट थोड़ा सा स्लाइड बेंड होगा, और अगर लेफ्ट पिक करोगे तो लेफ्ट टू राइट थोड़ा सा बेंड होगा।
तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका सेंसिटिविटी जायरोस्कोप का जितना भी ज़्यादा होगा उतना ही आपको कम मूवमेंट करना पड़ेगा अपने डिवाइस को, और आपका जितना सेंसिटिविटी कम होगा उतना ही ज़्यादा मूवमेंट करना पड़ेगा अपने डिवाइस को। सो आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। सो कमेंट डाउन बिलो वेदर आई शुड मेक मोर ऑफ दिस काइंड ऑफ वीडियोज़, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी ये वीडियो आप शेयर कर दो ताकि उनका भी बेनिफिट हो जाए। सो इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं, टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। There's something inside, yeah, there's something inside.